ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, इसका आंसर आया किसी को भी? तो 0 point. तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया यार मैंने। ओके देखो इसका आंसर निकाल लेते सर, -0.5। पावर दिया हुआ है लेंस का 2.5 डायोप्टर्स, तो फोकल लेंथ जो है वो 1/2.5 मीटर्स होगा, या फिर 100/2.5 सेंटीमीटर्स ये भी बोल सकते हैं। यस सर। तो फोकल लेंथ 40 आ रहा है, राइट। और सवाल में दिया है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है विच इज 4 times द ऑब्जेक्ट। देखो वर्चुअल इमेज के दो केसेस पॉसिबल है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो, इस केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, या फिर कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। लेकिन कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगा ना, वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा और ये डिमिनिश्ड होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड होगा। तो कौन सा केस पॉसिबल होगा इस सवाल के लिए, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस? कॉन्वेक्स लेंस पॉसिबल होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो अपन को मिला है 40, वो +40 लेंगे या -40? +40। और लेट से ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, तो u को -x मान लेते, तो v को -4x मान सकते, राइट। वर्चुअल इमेज फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मतलब 1/-4x, -1/u मतलब +1/x इक्वल्स टू 1/f। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए। सर बोलो। सर आपने हम लोग को एक फॉर्मूला बोला था सर, वो जिसमें मतलब स्टार्टिंग में हम लोग किया, वो जब जो फॉर्मूला डिराइव किया था सर, उसमें 3 lengths का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, बड़ा वाला v/μ1 वगैरह वो सब, वो वाला सर। उसमें अगर बाई चांस उन लोग ने क्वेश्चन में थिकनेस वो दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को डिराइव करके करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को। करेक्ट, फिर डिराइव करना पड़ेगा, फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेसिक से। हाँ मतलब दोनों सरफेस पर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन करके करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, यस। बट सवाल में कहीं दिया नहीं है तो थिन लेंस अज्यूम कर लो। हाँ सर हुआ, ओके। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3f/4, 30 centimeters आ रहा है ना आंसर? यस सर, 0.3 बोला था। ओके ठीक है, सही। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अपन ने मिरर्स में इमेज वेलोसिटी निकालना सीखा था ना, वैसे ही लेंसेस में भी अपन इमेज वेलोसिटी निकाल सकते। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है वी नॉट स्पीड से, तो इमेज का जो स्पीड होगा वो अपन को निकालना आना चाहिए। इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते और इसको वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, वी कैन अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो -1/v² dv/dt +1/u² du/dt, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। टर्म्स को रीअरेंज करने पर dv/dt की वैल्यू v² / u² टाइम्स du/dt, ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। dv/dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इन द एक्स डायरेक्शन, एंड du/dt मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस इन द एक्स डायरेक्शन। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा। और अगर मान लो लेंस मूव नहीं कर रहा, तो विद रिस्पेक्ट टू लेंस मतलब ग्राउंड ही हो गया, तो उस केस में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू लैटरल मैग्निफिकेशन, v² / u² मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड केस, अगर मुझे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना हो, तो अपन हाइट ऑफ इमेज को मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते, डिफरेंशिएट, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो m टाइम्स dh0/dt +h0 टाइम्स dm/dt, ये दो टर्म्स आ रहे। अभी जो सेकेंड टर्म है वो जीरो कब कब हो सकता है? इधर h0 इज जीरो, h0 जीरो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा,
ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस या फिर सेकेंड केस डीएम बाई डी टी जीरो डीएम बाई डी टी का जीरो होना मतलब ऑब्जेक्ट एक्स में मूव नहीं करेगा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव यस सर डज नॉट मूव पैरेलल टू द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस उसका मोशन खाली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ही होगा तो अगर वन और टू में से अगर एक भी सही हो गया वन और टू में से अगर एक भी स्टेटमेंट सही हो गया तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा इफ आइदर इज ट्रू तो उस केस में अपन डायरेक्टली डी एच आई बाई डी टी को एम टाइम्स डी एच नॉट बाई डी टी लिख सकते डी एच आई बाई डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इन द वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू एम टाइम्स velocity of object with respect to lens in the y direction aur agar maan lo first aur second dono condition satisfy nahi ho rahi to apan ko second term bhi calculate karna hoga second term kaise calculate karenge hame pata hai lenses ke liye magnification v by u hota 1 upon v minus 1 upon u is 1 upon f isko simplify karne par v jo hai wo fu upon u plus f aa jayega मतलब मैग्निफिकेशन v by u को मैं f upon u plus f लिख सकता डिफरेंशिएट करू dm by dt minus f upon u plus f का होल स्क्वायर टाइम्स du by dt मिरर के कंपैरिजन में खाली एक साइन का फर्क होगा बाकी सब कुछ सेम आ रहा है ये तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो यस यस सर यहां पे तुम्हें अलग से कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है ये कॉन्सेप्ट खाली याद रखो ठीक है और खुद से डिराइव कर लो एग्जाम में जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग अथर्व कुछ पूछना है तुम्हें नहीं सॉरी सर गलती से अच्छा कुछ डाउट है किसी को भी तो पूछ लो सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें माइनस फोर एक्स लिया था आपने पर प्लस फोर एक्स चाहिए था ना नहीं लेंसेस में वर्चुअल इमेज बनने का मतलब लेफ्ट में बनेगा ना इमेज अगर मिरर होता तो प्लस फोर एक्स होता लेंसेस का कन्वेंशन वर्चुअल रियल के लिए इमेज के लिए उल्टा होता है ना वर्चुअल के लिए वर्चुअल इमेज मतलब लेफ्ट में बनेगा तो v भी माइनस फोर एक्स हो जाएगा u का माइनस एक्स होना मतलब रियल ऑब्जेक्ट और v का माइनस फोर एक्स होना लेंसेस में मतलब वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज ये कंफ्यूजन दूर हुआ अभी तुम्हारा मिरर होता तो फिर राइट में लेते उस केस में प्लस होता वर्चुअल इमेज के लिए ओके और कोई डाउट एक एग्जांपल कर लेते वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले कॉन्सेप्ट पे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 mm/s और लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो सबसे पहले इमेज का लोकेशन निकाल लेते 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इसको सॉल्व करने पर वी 60 आ जाएगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिजोल्व कर लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 mm होगा 4 mm/s एंड वर्टिकल कंपोनेंट 3 mm/s तो एक्स डायरेक्शन में जो इमेज का वेलोसिटी होगा उसको मैं v बाई यू का होल स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है बट यहाँ पे लेंस मूव नहीं कर रहा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते तो कितना होगा 60 अपॉन 30 का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में इमेज का वेलोसिटी प्लस 16 mm/s आ रहा है प्लस मतलब एक्स में इमेज राइट में मूव कर रहा होगा 16 mm/s से और वाई में जो इमेज का वेलोसिटी होगा उसको अपन मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिख सकते हैं सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है और मैग्निफिकेशन कितना है इसके इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u मतलब 60 अपॉन माइनस 30 मैग्निफिकेशन माइनस 2 होगा साइन इंपॉर्टेंट है यहां पे माइनस 2 तो माइनस 2 इनटू 3 माइनस 6 mm/s तो y में इमेज ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे y में वो नीचे मूव कर रहा होगा 6 mm/s से और अगर नेट स्पीड निकालना है तो स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो तुम्हें इमेज का स्पीड मिल जाएगा ये सवाल इजी लग रहा है सबको
सेम चीजें अपन कर चुके हैं मिरर्स में. यस सर. काफी डिफिकल्ट. यस सर. तो ऐसे टाइप के सवाल आसानी से हो जाने चाहिए. राइट. ओके. अच्छा अभी अगला कॉन्सेप्ट देखो. मान लो बहुत सारे लेंसेज हैं हमारे पास और बहुत सारे लेंसेज को अगर मैं कॉन्टेक्ट में रखूं, एक दूसरे से चिपका के रखूं, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा ये अपन सीखने वाले. फोकल लेंथ ऑफ टू और मोर लेंसेज दैट आर इन कॉन्टेक्ट. तो देखो यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, लेंस वन का फोकल लेंथ एफ वन और लेंस टू का फोकल लेंथ एफ टू, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू मान लेते और फाइनल इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस वी मान लेते. तो सबसे पहले लेंस वन जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा और लेंस वन जहां पे भी इमेज बनाएगा कहने से वो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अपन ऐसे ही करते आ रहे अब तक रे ऑप्टिक्स में. पहले के लिए जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इन दोनों लेंसेज के लिए अपन लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों लेंसेज का थिकनेस बहुत ही कम होगा, थिन लेंसेज मान रहे. तो पहले लेंस का जब मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पहले लेंस का जो इमेज है मान लेते हैं वो V1 पे बन रहा होगा, तो 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F1. तो पहले लेंस का अगर इमेज V1 पे बन रहा है तो दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और दूसरे लेंस के लिए जो इमेज है वो कितने पे बन रहा है, V पे. सेकेंड लेंस का जो इमेज है वो V पे बन रहा होगा. तो सेकेंड लेंस के लिए जब मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इसके लिए U जो होगा वो V1 होगा इक्वल्स टू 1 अपॉन F2. ये सेकेंड लेंस का लेंस फॉर्मूला होगा. इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को, तो 1 अपॉन V1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन मिल जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2. इन दोनों लेंस को अगर मान लो मैं एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करता सच दैट उस केस में भी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहीं पे फॉर्म होता जो दोनों लेंसेज के केस में हो रहा है, ये यू रहता और ये वी रहता. तो इस सिंगल लेंस का अगर मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल एफ मान लू, तो तुम इक्वेशन को ऑब्जर्व करके ये देख पा रहे हो, वन अपॉन एफ जो है वो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू होगा. तो एक तरीके से अपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर लिया. अगर मान लो मल्टीपल लेंसेस उनको अगर मैं कॉन्टेक्ट में रखूं, तो उन सब का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है अपन इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2. और अगर दो से ज्यादा हुए तो भी अपन फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड कर सकते, कितने भी लेंसेज होने दो, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन एफ. और यहां पे जो भी फोकल लेंथ होंगे उनको अपन साइन के साथ डालेंगे. इस केस में तो दोनों कॉन्वेक्स दिख रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होगा. अगर कॉनकेव हुआ तभी भी अपन सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, खाली साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए. ओके. सबको याद है लेंस का पावर क्या होता था, लास्ट टाइम सीखा था अपने, 1/f. तो पावर इक्विवेलेंट को मैं डायरेक्टली एड कर सकता हूँ, पी वन प्लस पी टू एंड सो ऑन. तो अगर मल्टीपल लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रखा है तो उनके पावर्स अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. और इसी का एप्लीकेशन अपन देखते हैं लेंसेज के मैन्युफैक्चरिंग. तुम लोग अपने चश्मे का नंबर जब चेक करवाने जाते हो तो वहाँ पे तुमसे अल्फाबेट्स रीड करवाया जाता है और एक बड़ा सा चश्मा तुम्हें लगा देते हैं और उस पर अलग अलग लेंसेज लगाते और कभी कभी एक के ऊपर एक लेंस भी लगा देते. हाँ सर. तो सिंगल लेंस लगाने से तुम्हें नहीं दिख रहा है तो उस पर एक और लेंस चिपका दियो, तो एक और लेंस चिपकाने से जो नेट पावर है वो ऐड हो जाएगा ओवरऑल पावर. तो वो यहीं से आता है, यहीं से उसका डेरिवेशन अपन कर सकते हैं. मल्टीपल लेंसेज के पावर्स को ऐड कर देंगे और मल्टीपल लेंसेज के फोकल लेंस के इनवर्स को भी अपन ऐड कर सकते हैं. एनी डाउट्स? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला याद करो, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम. ये फॉर्मूला से अपन इंडिविजुअल लेंसेज का भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, राइट? इसमें और थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस देखो. We
we already know this formula now. 1 upon f equivalent is 1 upon f1 plus 1 upon f2. यहाँ पे अगर मान लो f1 f2 दोनों सेम साइन के हुए तो f इक्विवेलेंट दोनों f1 f2 से बड़ा होगा छोटा होगा दोनों के बीच में लाई करेगा, क्या लगता है? तो मैं वो रिजल्ट याद है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस विद इन पैरेलल के लिए भी 1 अपॉन r इक्विवेलेंट क्या होता था? 1 अपॉन r1 + 1 अपॉन r2 अपॉन r1 + 1 अपॉन r1 2 r इक्विवेलेंट दोनों r से कम होता था, राइट? तो यहाँ पे भी अगर मैं बोलू कि f1 f2 दोनों सेम साइन के, इफ लेंसेस आर ऑफ सेम नेचर, तो अपन बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो इंडिविजुअल फोकल लेंथ से कम होगा. ये पहला पॉइंट समझ में आया सबको? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस विल बी स्मॉलर देन ईच ऑफ द फोकल लेंथ इफ लेंसेस आर ऑफ द सेम नेचर. मतलब आइदर दोनों डाइवर्जिंग है या फिर दोनों कन्वर्जिंग है. सेकेंड पॉइंट, ये भी ऑब्वियस है, सेकेंड पॉइंट, इक्विवेलेंट लेंस विल ऑल्सो बी कन्वर्जिंग इफ बोथ द लेंसेज आर कन्वर्जिंग. अगर दोनों लेंस कन्वर्जिंग है तो दोनों एफ वन एफ टू पॉजिटिव होगा और एफ इक्विवेलेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर दोनों डाइवर्जिंग है तो एफ वन एफ टू नेगेटिव होगा और इक्विवेलेंट एफ भी नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बी डाइवर्जिंग इफ बोथ द लेंसेज आर डाइवर्जिंग. लेकिन अगर मान लो एक कन्वर्जिंग हो गया और एक डाइवर्जिंग हो गया, फॉर वन कन्वर्जिंग एंड वन डाइवर्जिंग, इस केस में जो इक्विवेलेंट लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कब करेगा? जब फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग कम हो देन डाइवर्जिंग. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, थर्ड पॉइंट को समझने के लिए. मान लो दो लेंसेस को मैंने कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मान लेते 20 और कॉन्केव का मान लेते 30 सेंटीमीटर. तो साइन के साथ ये माइनस 30 होगा. तो इस केस में 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू. और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड वाइज कॉन्केव से कम है तो जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो बड़ा होगा ना. इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिस विल बी पॉजिटिव. अगर एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग हुआ तो इक्विवेलेंट कन्वर्जिंग कब होगा, इक्विवेलेंट पॉजिटिव कब होगा? जब कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ डाइवर्जिंग से मैग्नीट्यूड वाइज कम. ओके, एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट देखो. इफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग आर न्यूमेरिकली सेम तो उस केस में लेंस कैसे बिहेव करेगा? उस केस में लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है मैग्नीट्यूड वाइज सेम, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट जीरो हो जाएगा. मतलब पावर जीरो हो जाएगा और फोकल लेंथ इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट फोकल लेंथ मतलब लेंस कैसे बिहेव करेगा? क्या लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कुछ भी कर पाएगा? इट विल बी नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग एंड इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, राइट? ये चारों ऑब्जर्वेशंस समझ में आ रहे हैं सबको? कुछ डाउट है किसी भी पॉइंट? फर्स्ट सेकंड नहीं समझा. देख, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इट्स अ मैथमेटिकल रिजल्ट ना. अगर मैं किसी भी दो नंबर्स को इनवर्स करके ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं 1 अपॉन अदर नंबर बोल रहा हूँ तो x की सर मेरी आवाज छोटी होगी. तुम ट्राई करके देख सकते हो, वैल्यू चल के देख लो कोई भी. और तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा ना ये चीज, पैरेलल में जब कोई रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते तो इक्विवेलेंट हमेशा दोनों से छोटा होता. उसका रीजन यही है. If x is x1, x2 upon x1 plus x2, x will be smaller than both x1 and both x2. It's a general property in maths. ये तुम्हें पता होना चाहिए, right? तो इससे अपन first point समझ सकते हैं. सर मतलब अगर दो converging lens को साथ में रखा है तो उनका power, मतलब उनका equivalent power दोनों में से बड़ा नहीं होगा ना? नहीं, focal length बड़ा नहीं होगा. Power तो add हो रहा है ना, power तो बड़ा होगा. बट फोकल लेंथ छोटा होगा. या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो ना, पावर तो बढ़ ही जाएगा. अगर तुम सेम साइन के लेंसेस को जॉइन कर रहे हो तो दोनों के पावर्स भी ऐड हो जाएंगे. और अगर मैग्नीट्यूड वाइज पावर बढ़ रहा है
तो मैग्नीट्यूड वाइज फोकल लेंथ कम होगा, समझो? हाँ तो सर, पी इक्विवेलेंट पी वन और पी टू से इंडिविजुअली बड़ा होगा ना? करेक्ट, पी इक्विवेलेंट दोनों से बड़ा होगा एंड एफ इक्विवेलेंट दोनों से छोटा होगा, समझ गया अभी? यस सर, समझ गया। हाँ बोलो सर, अगर थर्ड पॉइंट में डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ छोटा हुआ कन्वर्जिंग से तो क्या होगा? तो रिजल्टेंट डाइवर्जिंग बन जाएगा। ओके सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ओके सर। सर बोलो सर, मेरी आवाज तो क्लियरली आ रही है ना, नेट लैग हो रहा है इधर बहुत ज्यादा। आ रही है, बताओ निशिम। सर क्लियर आ रही है ना आवाज? क्लियरली आ रही, बताओ। हाँ सर, फोर्थ पॉइंट, हाँ सर, फोर्थ पॉइंट में आपने जो बोला कि न्यूमेरिकली जो सेम, तो मैं समझ गया कि जीरो ही होने वाला है और इसलिए फोकल लेंथ, फोकल इक्विवेलेंट लेंथ इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। पर सर इसलिए सर वो क्या बोलते हो, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ग्लास स्लैब में भी वो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, करेक्ट राइट? इसीलिए वो कन्वर्ज कन्वर्ज भी नहीं करेगा और डाइवर्ज भी नहीं करेगा। और अगर तुम लेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो हां सर, दोनों ही करेगा, वन अपॉन यू जीरो बन जाएगा, मतलब वी और यू सेम ही होगा ना, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज दिखा रहा होगा वो। सर लैटरल शिफ्ट तो होगा ना फोर्थ पॉइंट में? इन सब जगह अपन पैरेक्सियल रेज मान रहे हैं ना, लेंस फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं पैरेक्सियल मान रहे हैं, तो पैरेक्सियल में लैटरल शिफ्ट भी नेग्लिजिबल होगा। हाँ सर, एंगल्स अगर बहुत ही छोटे हैं तो फिर उस केस में तो लैटरल शिफ्ट भी नेग्लिजिबल होगा ना। और अगर हाँ पैरेक्सियल नहीं होते तो अपन ये थियोरी अप्लाई नहीं कर सकते, ये लेंस फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ये अपन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रेज पैरेक्सियल हो, राइट? यस सर। सर बट ग्लास स्लैब के थ्रू जब कोई रेस पास करती है तो वो डेविएट तो होती है ना सर? सर तो फिर कन्वर्ज या डाइवर्ज तो, अच्छा पैरेक्सियल के लिए नहीं होगी। अगर मान ले आई थिंक तुम्हारे दिमाग में ये डायग्राम, अगर रेस इस एंगल पे आ रही है तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो लैटरली शिफ्ट हो गई, ये आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? हाँ सर। यस, ये पैरेक्सियल रेस थोड़ी है, यहाँ पे तो एंगल काफी बड़ा है। हाँ सर समझा। छोटा होता तो वो भी नहीं करता, ये डेल्टा एस भी नेग्लिजिबल हो जाता, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते। हेलो सर। हाँ बताओ, कुछ पूछना है? सर तो इस केस में वो ऐसी कुछ नहीं होगा ना, लाइक ऐसी पैरेलल निकल जाएगा ना रे? कुछ नहीं होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाएगा, रेज ऐसे ही निकल जाएगा स्ट्रेट। ओके सर, थैंक यू। सर ग्लास स्लैब में भी वही प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर सेंटर से रेस पास करेंगे तो अनडेविएटेड रहेगी? करेक्ट, वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, ठीक है? एग्जांपल देख लो इस पे, एक टू आइडेंटिकल, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल मतलब सेम लेंसेस, कन्वर्जिंग लेंसेस, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट सो दैट देयर एक्सिस कोइंसाइड and are placed 12.5 centimeters from the object. Object distance diya hua hai. What is the optical power of the system and each lenses? If the real image formed by the system of lenses is 4 times as large as the object. So, yahan pe u ko main minus 12.5 le sakta. Aur real image ka banna matlab v positive ya negative? Lenses mein v positive hoga. Positive. Positive. 4 times u ho jayega. Matlab v 50 centimeters. तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। और क्योंकि मैं ये पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, यहां पे मुझे एफ लिखना चाहिए, करेक्ट? दिस विल बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसको सॉल्व करके अपन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते, 1 अपॉन वी मतलब 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन यू, यू माइनस 12.5, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आ रहा है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन हट जाएगा, 10, एफ इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा, करेक्ट? तो पावर क्या होगा कॉम्बिनेशन का, पावर इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन एफ, बट एफ शुड बी इन मीटर्स, तो इनटू 100 पावर 10 डायोप्टर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल लेंसेस का पावर कितना होगा? 5 डायोप्टर्स। और इंडिविजुअल लेंसेस का फोकल लेंथ कितना होगा? 20 centimeters. Yes, sir. Right. तो ऐसे formula based questions तुम कर सकते हो easily. Sir, power दोनों का 5 5 कैसे? Power additive होते हैं ना?
P1 plus P2 10 होगा, और क्योंकि आइडेंटिकल है मतलब P1 और P2 सेम है। हाँ यस सर सेम है, तो इससे दोनों पावर्स 5 आ जाएंगे ना सर। वो भी इनटू 4 क्यों किया था सवाल में दिया है ना, 4 टाइम्स बन रहा है। रियल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम ऑफ लेंसेस इज 4 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। तो अगर u को -12.5 ले रहे तो v प्लस 4 टाइम्स 12.5 हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है इसलिए पॉजिटिव। सर इसमें दो बार मैग्निफिकेशन हुआ है ना? हाँ, बट ये जो 4 टाइम्स दे रहे वो दोनों का मिला के दे रहे हैं। फाइनल करेक्ट, 200 को किया सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स होगा ना, तो फोकल लेंथ को मीटर्स में 10/100 लिखेंगे, और फोकल लेंथ मीटर्स में लेंगे तभी पावर डायोप्टर्स में मिलेगा, ये सीखा था ना अपन ने। Yes sir, diopter meter inverse. Correct. समझ में आ गया अभी सबको ये एग्जांपल? Okay, next देखते। Find the focal length of the combination of lenses. यहाँ पे तुम्हें कितने लेंस दिखाई दे रहे? ये ग्लास बीच में पानी। ये तीन लेंस का कॉम्बिनेशन। Three. Correct. तो we can say that this system is equivalent to ये ग्लास वाला लेंस प्लस पानी वाला लेंस एंड अगेन ग्लास वाला लेंस। इन तीनों को अगर मैं कांटेक्ट में लेके आ जाऊं तो ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ये दोनों सबका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैग्नीट्यूड वाइज आर दिया हुआ, तो कहना है ये दोनों स्लैब कंसीडर। क्या बोल रहे हो सर? फिर स्लैब कंसीडर कर सकते हैं ना इसको? स्लैब क्यों करेंगे, कर्वेचर दिया है ना। ओके सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपन को। और मान लो सवाल में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का 4/3 ये भी दिया हुआ है, तो तुम देख पा रहे हो जो फर्स्ट और थर्ड लेंस होगा इसको नंबर दे देते 1, 2 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड लेंस इन दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा, एग्जैक्टली सेम लेंथ से होगा, तो yes, f1 कितना होगा? म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस वन, 1/R1 - 1/R2। R1 R2 सेम है ना? हाँ, बट साइन अलग होंगे। R1 प्लस R होगा और R2 माइनस R होगा। तो यहाँ से 1/F1 कितना R? 1/R आ रहा है? सर साइन क्यों लगूंगा? क्या बोल रहे हो? सर साइन अपने नेगेटिव क्यों रखा? सेकेंड देख, अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं ना, रेज ऐसे ट्रेवल कर रही, राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव। तो जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए आर पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में, और जो सेकेंड सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में, तो उसके लिए आर नेगेटिव होगा ना। यस, अपन को 1/F1 मिल गया। और वैसे ही बीच वाला जो लेंस है इसका अगर मैं फोकल लेंथ F2 मान लू तो 1/F2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यू लेंस। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डाउट आता है लोगों को कि जो बीच वाला लेंस है उसके लिए जब मैं म्यू मीडियम लूंगा तो एयर लेना चाहिए कि ग्लास लेना चाहिए? एयर लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल मीडियम जो है ऑब्जर्वर का वो तो एयर है ना। इन तीनों को अपन कंबाइन कर रहे, तो ओरिजिनली तो ये लेंस एयर में होगा, इन तीनों को कॉन्टेक्ट में लाने के बाद अपन को ये ऐसा दिखाई देगा, राइट? तो मीडियम हमेशा ऑब्जर्वर का लेना। तो जब तुम वाटर का बीच वाले लेंस का भी फोकल लेंथ निकालोगे 1/F2, वहां पे म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम 1 ले लो माइनस 1, उसके लिए 1/R1, R1 प्लस R होगा या माइनस R होगा? माइनस माइनस R, माइनस 1/R2, R2 प्लस R होगा। सर म्यू मीडियम वो नहीं लेंगे जहां से आ रहा है। देख यहां पे एक्चुअल में अपन तीन इंडिविजुअल लेंस कंसीडर कर रहे हैं ना। Yes, sir. मान के चल कि ये तीन अलग अलग लेंसेज थे ओरिजिनली। ओरिजिनली ये तीनों लेंसेज किस में रखे हुए थे? मीडियम क्या था? Air. Air था। तो इन दोनों तीनों को जब मैं चिपका दूंगा, इन तीनों को जब मैं कांटेक्ट में लेके आऊंगा तब ये सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम बनेगा उसके बाद में जब मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालूंगा, तो यहाँ पे F1, F2, F3 कौन से फोकल लेंस होंगे? एयर वाले होंगे ना जो ओरिजिनली थे। हाँ यस सर,
तो इसीलिए कैलकुलेशन में जो ऑब्जर्वर का मीडियम है वही लेना हमेशा, क्योंकि हम लोग को वो ओरिजिनल, क्योंकि एफ वन एफ टू एफ थ्री ये जो फोकल लेंस है वो ओरिजिनल फोकल लेंस है, रिस्पेक्टिव लेंस एयर वाले, एयर वाले राइट। अपने में भी तो एयर ही कंसीडर किया था ना इधर, अगर तुम मल्टीपल लेंसेज को रखते हो हाँ तो एयर का ही फोकल लेंस लेंगे, क्योंकि जब मैं रिफ्रैक्शन लूंगा तो बीच में तो मैं एयर मान सकता हूँ ना दोनों के बीच में, तो एक तरीके से सारे लेंसेज के लिए जो मीडियम है वो एयर ही होगा। शुभम कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ सर, मुझे अभी तक वो रीजन है समझा। कौन सा रीजन? सर अभी आपने बोला था ना कि हम हमेशा ऑब्जर्वर का ही। एक सेकंड मैं देखो एक नए पेज पे एक्सप्लेन कर दूँ। सर अगर हम लोग दूसरा कोई मीडियम कंसीडर करेंगे तो फिर फोकल लेंथ, देख अगर इन तीनों को मैंने चिपका के भी अगर रखा हो तो मैं ऐसा तो अज्यूम कर सकता हूँ ना कि थोड़ा सा गैप होगा इनमें। ये वाले सिस्टम है और ये वाले सिस्टम में कुछ भी फर्क है? ऑल्दो इसके ऑफिस नेग्लिजिबल, कुछ फर्क नहीं है ना दोनों में, लेंस वन टू एंड थ्री। तो एक तरीके से अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना तीनों लेंसेज को अपन ने एयर में ही रखा हुआ है। तो F1, F2, F3 कैलकुलेट कर लो टेकिंग मीडियम एज एयर, और फिर इक्विवेलेंट निकाल लो इन तीनों का, जो इक्विवेलेंट होगा उसके लिए अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते। सबका ये डाउट क्लियर हुआ अभी? कुछ पूछना है किसी को बताओ? ओके सर। ओके तो अभी देखो जो लेकिन रियल ऑब्जेक्ट्स में इतना गैप तो नहीं रहेगा ना? फर्क नहीं पड़ेगा ना, गैप से थोड़ी आंसर चेंज होगा मेरा। यस सर, फोकस गैप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, अपन ऐसा मान सकते हैं। मतलब बेसिकली गैप अगर तुम मानोगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस गैप को जीरो को टेन करवा दो, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से होगा और फिर वापस यहाँ से होगा, तो टोटल तीन बार रिफ्रैक्शन हो रही, तीन लेंथ से ये रे जा रही होगी, और तीनों लेंसेज को तुम एयर में ही मान लो। तो इसको सॉल्व करो, F2 कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? 1 अपॉन F2 4 बाई 3 माइनस 1 1 बाई 3 1 बाई 3 इंटू माइनस 2 बाई आर माइनस 2 बाई 3 आर। तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 अपॉन F1 विच इज 1 बाई आर, 1 अपॉन F2 विच इज माइनस 2 बाई 3 आर, प्लस 1 अपॉन F3 विच इज अगेन 1 बाई आर। तो 1 बाय आर कॉमन ले लो, एक्चुअली 2 बाय आर कॉमन ले लो, अंदर 1 माइनस 1 बाई 3 मतलब 2 बाई 3 बच जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 3 आर बाई 4 आ रहा है इससे, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, ये एग्जांपल खुद से ट्राई कर लेना, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे? इनफाइनाइट। और यहाँ पे भी तुम तीन लेंसेज मान सकते हो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक बीच में कॉन्केव लेंस, और ये तीसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला प्लेनो कॉन्केव है ना? नहीं, प्लेनो कॉन्केव ऐसा होता, ये प्लेनो कॉन्केव होता, ये प्लानो। हाँ यस सर, समझ गया। ये ट्राई करना खुद से, अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखो, डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंसेस। सबको डिविएशन का डेफिनेशन तो पता है ना, डिविएशन क्या होता है? अपने ओरिजिनल पाथ से रे कितने एंगल से रोटेट कर रही, उसी को अपन एंगल ऑफ डिविएशन बोलते। फर्स्ट केस में मान लो ये इंसिडेंट रे जो कि लेंस को पैरेलली हिट कर रही, और लेंस को वो प्रिंसिपल एक्सिस से एच डिस्टेंस ऊपर हिट कर रही, यहाँ पे एच की वैल्यू कैसी होगी? स्मॉल या बिग? एच विल बी वेरी स्मॉल,
स्मॉल पेरेक्शियल, अपन पेरेक्शियल मान के छोड़े तो h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल. और रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से निकलने के बाद एज पर द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ये लेंस, ये जो रे है वो लेंस के सेकंड फोकस से पास करेगी. यस सर. डिस्टेंस लेंस से f के इक्वल होगा. यस सर. तो अभी ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है बीच में, जिसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में tan ऑफ डेल, tan ऑफ डेल को अपन h upon f लिख सकते हैं. एंड बिकॉज़ यस डेल इज वेरी स्मॉल, tan ऑफ डेल इज सेम एज डेल, तो डिविएशन अपन को h upon f आ जाएगा. बट यहां पे अपन ने स्पेशल केस अज्यूम किया, अपन ने माना है कि इंसिडेंट रे पैरेलल होगी. सेकंड केस देखो, सेकंड केस में मैं मान रहा हूं कि इंसिडेंट रे कोई भी एंगल पे जा रही, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही और रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से निकलने के बाद वो आई पे इमेज बना रही, तो इस केस में जो डिविएशन होगा वो ये होगा. ओरिजिनली रे इस लाइन के अलोंग जा रही थी और लेंस के वजह से वो इस डेल एंगल से डिविएट हो गई और अभी ऐसे जा रही. तो डायग्राम में तुम्हें डिविएशन दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ डिविएशन डेल होगा. और ये वाला ट्राइंगल देखो, इधर भी मैं एक रेड में ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं. इस ट्राइंगल में तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो डेल इज द एक्सटीरियर एंगल. Yes. और ये दोनों एंगल्स को मैंने अल्फा और बीटा मान लिया. Yes. तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से डेल को अपन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते. डेल इज अल्फा प्लस बीटा. पैरेक्शियल रेस की वजह से अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा एंड टैन अल्फा विल बी ऑपोजिट एच अपॉन यू. बट यू के अंदर ऑलरेडी एक माइनस साइन होगा राइट, क्योंकि यू नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं एक और माइनस साइन लगा दूंगा. सो टैन ऑफ अल्फा विल बी एच अपॉन माइनस यू एंड टैन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू एच अपॉन वी. तो अल्फा और बीटा इन दोनों के वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दू तो डेल कितना मिल जाएगा हमें. डेल विच इज अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज एच अपॉन माइनस यू प्लस एच अपॉन वी. एच कॉमन ले लो, अंदर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू मिल जाएगा. और लेंस फॉर्मूला से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज 1 अपॉन एफ. तो तुम देख पा रहे हो इस केस में भी डिविएशन को अपन एच बाई एफ लिख सकते. सो इन ऑल द केसेस डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस विल बी इक्वल टू एच अपॉन एफ. एच मतलब कौन सा हाइट, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द लेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. इंसिडेंट रे लेंस को जिस भी पॉइंट पे हिट करेगी उस पॉइंट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको अपन एच बोल रहे राइट. सर वो यू को माइनस क्यों लिया? यू को माइनस इसीलिए लिया क्योंकि टैन अल्फा जब मैं लिख रहा हूं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या इसके कैलकुलेशन में कोई भी टर्म नेगेटिव होगा? ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए कि नेगेटिव होने चाहिए? ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए ना टैन अल्फा के कैलकुलेशन में, क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल है. ऑपोजिट साइड मतलब एच. और अगर मान ले मैंने एडजेसेंट साइड को खाली यू लिखा होता, माइनस साइन नहीं लगाया होता. सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया. बाकी सबको भी क्लियरली नहीं आ रही क्या आवाज? ब्रेक हो, सर ब्रेक हो गया वॉइस. अच्छा एक सेकंड, आप वापस बता सकते क्यों? देखो अभी आ रहा है क्या आवाज? सबको आवाज हाँ, आ रही है? देख मैं तुझे बोल रहा था कि tan अल्फा को जब मैं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लिखता हूं तो उस केस में ये दोनों ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर आपका वॉइस में आ रहा है. सर वॉइस क्रैक. अच्छा रुक जाओ अटक गया. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे इंटरनेट चेक करने दो. देखो यार मैं बता रहा था तुम्हें tan अल्फा की जो वैल्यू होगी उसको अपन h by u लिखेंगे. यहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, बट अगर तुम खाली u को देखोगे तो u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा. तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन एक और माइनस साइन लगा देंगे ना इधर. हाँ, समझ में आया क्यों माइनस साइन लगा रहे हो? यस सर. अल्फा एक्यूट है इसके लिए tan. यस अल्फा एक्यूट है इसीलिए. और एक और चीज नोटिस करो कि जो डिविएशन होगा वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे डिपेंड नहीं करो. ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी होने दो, डिविएशन खाली एच पे डिपेंड करेगा, एच और फोकल लेंथ. ठीक है.
सर तो एच कहाँ, एच कहाँ आएगा वो भी तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन से पता चलेगा ना। एच तो कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, अरे सुन ले भाई मेरी बात एक बार सुन तो ले। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे भी पोजीशन है तो एच तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगी वो तो कोई भी एच प्रोड्यूस कर सकती है ना। हाँ सर समझ गया समझ गया। ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड नहीं करेगा, एच का रे डिसाइड करेगा कौन सा रे अपन ले रहे और वो रे किस साइड पे जाके हिट करे वो डिसाइड करेगा, समझा अभी? ओके यस सर। सो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर थिन लेंसेज इज एच अपॉन एफ, इसको अपन आगे यूज करने वाले। सर वो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कैसे है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ये ट्रायंगल देख रेड वाला, इसमें डेल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल को अपन सम ऑफ इंटरनल एंगल्स लिख सकते। यस सर ओके समझ गया सर। आगे बढ़े, और कुछ पूछना है किसी को इसमें? ओके देखो अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे कैसे यूज करेंगे अपन। अपन को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर लेंसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, उसका फॉर्मूला आ गया 1/F equivalent = 1/F1 + 1/F2। लेकिन मान लो अगर दो लेंसेस किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, ये लेंस वन है और ये लेंस टू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी मान लो, और लेंस वन से पैरेलल रे आके हिट कर रही है एट अ हाइट ऑफ एच वन फ्रॉम लेंस वन, तो इससे जो रेज निकलेगी उसको लेंस वन डिविएट करवा देगा बाय एंगल ऑफ डिविएशन डेल वन। डेल वन कितना होगा बता सकते हैं मुझे अभी? लेंस वन का फोकल लेंथ एफ वन मान लो और लेंस टू का फोकल लेंथ एफ टू, एच बाय एफ वन, एच बाय एफ वन, अपन को डेल वन ऑलरेडी पता है। और जो रे लेंस वन से बाहर निकल रही है ये रे लेंस टू के लिए क्या बन जाएगी? लेंस टू के लिए ये रे इंसिडेंट रे बन incident. जाएगी। और लेंस टू पे मान लो वो एच टू हाइट पे हिट कर रही है, लेंस टू पे वो एच टू हाइट पे हिट कर रही है और लेंस टू का फोकल लेंथ एफ टू, तो जब रे लेंस टू से बाहर निकलेगी वो फर्दर डिवेट हो जाएगी और लेंस टू उसको फर्दर कितना डिवेट करेगा, लेट से डेल टू, एच टू बाय एफ टू, करेक्ट। तो अपन को डेल टू भी पता है और फाइनली यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ये वाला एंगल डेल टू मान लो, तो अपन को डेल वन पता है, डेल वन इज एच वन बाय एफ वन एंड डेल टू इज एच टू बाय एफ टू, राइट? इस आई पे फाइनल इमेज बन रहा है। जो नेट डिविएशन होगा, देखो ये दोनों डिविएशन का सेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, डेल वन भी क्लॉकवाइज सेंस में एंड डेल टू भी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो नेट डिविएशन होगा उसको निकालने के लिए अपन दोनों डिविएशन को एड कर सकते डेल वन प्लस डेल टू। और तुम इस ट्राइंगल से भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये नेट डिविएशन होगा, ओरिजिनली जो रेस थी वो राइट में ट्रेवल कर रही थी, दिस वॉज दी ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो राइट में ट्रेवल कर रही थी इस तरीके से, एंड मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रे इस तरफ ट्रेवल कर रही, तो ओरिजिनल से फाइनल जाने के लिए डेल से डिविएशन हुआ होगा, राइट? अभी इन दोनों लेंसेज को अगर मैं एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करूं, मुझे बताओ उस सिंगल लेंस को मुझे कहां पे रखना चाहिए? ओरिजिनल सिस्टम में तो डिविएशन दो बार हो रहा है, फर्स्ट लेंस पे और सेकेंड लेंस पे, बट अगर इन दोनों को मैं एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करूंगा जो कि इक्विवेलेंट लेंस का काम करेगा, तो उससे डिविएशन खाली एक ही बार हो रहा होगा, और वो एक डिविएशन कौन से पॉइंट पे हो रहा होगा? ये वाले पॉइंट पे, देख पा रहे हो तुम पॉइंट पी से लेके डी तक, एक सेकेंड, ये वाला रीजन। इक्विवेलेंट लेंस जो हम बनाएंगे उसका सिंगल डिविएशन यहां पे हो रहा होगा, तो अगर इन दोनों लेंसेज को मैं एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना चाहता हूं उसको मुझे कहां पे प्लेस करना चाहिए? पॉइंट डी इज द सेंटर, यस, पीडी पे, पीडी वाले रीजन पे प्लेस करना चाहिए, करेक्ट। इक्विवेलेंट लेंस शुड बी प्लेस्ड एट पीडी, राइट? और अगर इक्विवेलेंट लेंस को मैं यहां पे प्लेस कर दूं, ये पी और ये डी, तो ओरिजिनल रे अभी जो आ रही होगी, अपन ओरिजिनल रे को चेंज नहीं करेंगे, ओरिजिनल रे अभी भी ये होगी। ओरिजिनल रे इक्विवेलेंट लेंस को कितने हाइट पे हिट करने वाली?
सर ये समझा नहीं सर पीडी पे क्यों रहेगा देख मैं देखो एक नए पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मान ले ये दो लेंस है लेंस वन एंड लेंस टू ठीक है ये इंसिडेंट रे इससे जब रिफ्रैक्शन हुआ ये यहां पे टकरा रहा है और फाइनली इससे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये यहां जाएगा ओके इन दोनों लेंस का काम क्या है इन दोनों लेंस ने मिलके क्या किया जो ओरिजिनल ब्लू वाली रे थी उसने उसको ग्रीन वाली रे में कन्वर्ट कर दिया यस सर रेड वाली रे तो इंटरमीडिएट रे है ना तो इन दोनों को अगर मैं सिंगल लेंस से रिप्लेस करता हूं तो उसको मुझे इसके इंटरसेक्शन पे प्लेस करना चाहिए ना सिंगल लेंस को सच दैट वो भी ब्लू वाली रे को ग्रीन वाली रे में कन्वर्ट कर देगा और वो तभी सेम तरीके से कन्वर्ट कर पाएगा जब मैं इसको इस वाले पॉइंट पे रखूं समझ पा रहे हैं अभी सर अभी जो बोला आपने वो नहीं समझा सर मतलब उनके इक्विवेलेंट पावर वाला लेंस वो पॉइंट पे रखना यस देख अगर दो बार डिविएशन हो रहा होगा फर्स्ट डिविएशन यहाँ पे हो रहा है एंड सेकेंड डिविएशन यहाँ पे हो रहा है तो बेसिकली जो ओरिजिनल रे जा रही थी ओरिजिनल रे कौन सी है ब्लू वाली ये ओरिजिनल रे और इन दोनों लेंसेज के सिस्टम से निकलने पर जो फाइनल रे जा रही है वो ये होगी ये फाइनल रे बट अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करता हूँ तो सिंगल लेंस डिविएशन एक बार करेगा कि दो बार एक बार सिंगल लेंस जो होगा इक्विवेलेंट लेंस हो तो एक ही बार डिविएशन करेगा यस सर और वो एक ही बार डिविएशन कहां पे करेगा डायग्राम से अभी तुम समझ पा रहे हो जहां पे भी ओरिजिनल रे और फाइनल रे इंटरसेक्ट करेगी एक तरीके से ओरिजिनल रे के साथ यही हो रहा है ना ओरिजिनल रे यहां पे डिविएट करके ग्रीन वाली रे के अलोंग जा रही तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मैं इक्विवेलेंट लेंस को इसी पोजीशन पे रखूं ओरिजिनल रे और फाइनल रे के इंटरसेक्शन पे समझा अभी सर ये समझा सर बट मुझे डाउट है कि आपने अभी बोला कि वो दोनों का एवरेज होना चाहिए क्या उनका उस लेंस का पावर नहीं यार मैंने पावर के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की एवरेज के बारे में भी कुछ बात नहीं की मैंने एक सिंपल सा तुझे लॉजिक बता रहा हूँ यार ये इसको समझने की कोशिश कर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड में रख अभी मैं पावर या फिर एवरेज की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं उसको समझने की कोशिश कर मुझे ये समझा कि एक इक्विवेलेंट लेंस उसके बीच में रखोगे ताकि वो सिर्फ एक बार डिविएट होकर के आ जाए एक्चुअली बस यही समझा रहा हूं मैं तुम्हें पावर वगैरह को भूल जाओ अभी के लिए मैं खाली ये समझा रहा हूं कि इक्विवेलेंट लेंस का जो लोकेशन है वो ये होना चाहिए ये बात समझ में आ रही अगर लोकेशन तो सिस्टम ये दोनों सिस्टम को अपन इक्विवेलेंट नहीं बोल पाएंगे अगर इन दोनों सिस्टम को मैं इक्विवेलेंट बोलना चाहता हूं तो जो भी इक्विवेलेंट लेंस होगा उसको मुझे इसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा ना यार ये बात समझ में आ रही सर ओके अभी अपने ओरिजिनल डायग्राम में चलते हैं वापस सो देखो अभी जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कितने का डिविएशन प्रोड्यूस कर रहा है वो डेल का डिविएशन प्रोड्यूस कर रहा है और इक्विवेलेंट लेंस का अगर मैं फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट मान लूं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं डेल को एच वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट लिख सकता हूं अभी अभी अपन ने जो डेल का फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग ये वाले डेल को मैं एच वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट लिख सकता हूं और डेल वन तो मुझे ऑलरेडी पता है डेल वन इज एच वन अपॉन एफ वन एंड डेल टू इज एच टू अपॉन एफ टू तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा राइट अभी इस रिजल्ट में एच वन और एच टू दो अननोन से तो किसी तरह अपन को एक अननोन को गायब करना है तो वी विल ट्राई टू फाइंड H2 इन टर्म्स ऑफ H1 और H2 इन टर्म्स ऑफ H1 निकलने के लिए ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो ट्राइंगल P2BC एंड P1AC तुम्हारे लिए मैं डायग्राम में मार्क कर देता हूं उन ट्राइंगल्स को एक सेकेंड लेट मी जूम इन ट्राइंगल P2BC एक सेकेंड
ये ट्राइंगल को देख पा रहे हो अभी तुम लोग, ट्राइंगल पी टू बी सी? यस सर। इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, मेरे को कलर को मैं चेंज नहीं कर रहा। ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, राइट? यस सर। ये दोनों ट्राइंगल यस सर, तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मींस एच वन अपॉन एच टू इक्वल्स टू एफ वन अपॉन, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं एफ वन माइनस डी लिख सकता हूँ। तो ये रिजल्ट आ रहा है सिमिलर ट्राइंगल से, एफ वन एच वन अपॉन एच टू इक्वल टू एफ वन अपॉन एफ वन माइनस डी, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है एच वन अपॉन एच टू इक्वल टू एफ वन अपॉन एफ वन माइनस डी। और इसका एफ वन कैसे आया? ये एफ वन है ना, बड़ा बड़ा वाला फोकस। ये एफ वन होगा, लेंस वन से जब पैरेलल रे हिट करेगी तो वो जहां पे टकराएगी वो उसके रिस्पेक्टिव फोकस पे जाके हिट करेगी ना। दिस इज एक्चुअली फोकस ऑफ लेंस वन। कोई भी रे अगर किसी लेंस से पैरेलली हिट कर रही तो जब वो लेंस से बाहर निकलेगी तब उसके फोकस से पास होते हुए दिखाई देगी। तो इसको मैं एफ वन बोल सकता हूँ, लेंस वन का फोकल लेंथ, और दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन डी था, तो ये वाला डायमेंशन एफ वन माइनस डी हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई करके अपन H2 को H1 के टर्म्स में निकाल सकते। ये एक्सप्रेशन आ रहा है H2 equals to H1, F1 minus D upon F1। और इस रिजल्ट को अगर मैं ये वाले इक्वेशन में डाल दूं तो क्या मिलेगा? LHS को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, H1 upon F equivalent, सेकेंड टर्म भी एज इट इज H1 upon F1, और जो थर्ड टर्म है उसमें वन अपॉन एफ टू को एज इट इज लिख दो और एच टू के बदले एच वन अपॉन एफ वन इंटू एफ वन माइनस डी। तो तुम देख पा रहे हो इस पूरे इक्वेशन में से एच वन गायब हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन में से एच वन को कैंसिल कर दो और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी ओपन अप कर दो। तो ये ब्रैकेट को ओपन अप करने के बाद वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर टू लेंसेस विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, अच्छा इस इक्विवेलेंट लेंस को अपन कौन से पोजीशन पे रखने वाले ये भी अपन ने डिसाइड किया था। इसको अपन पीडी पोजीशन पे रखने वाले, तो जो पोजीशन होगा उसका डिस्टेंस मुझे निकालना आना चाहिए। सो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस पी पी टू डिस्टेंस, इसको एक्स मान लेते। So distance of equivalent lens P P2 from the second lens, इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला ट्राइंगल देखो, अभी मैं जिसको रेड में मार्क कर रहा हूं तुम ये ट्राइंगल देख पा रहे हो, ट्राइंगल बी डी ई। इस ट्राइंगल बी डी ई में बी ई कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा? ये लेंथ H2 माइनस H1 माइनस H2 होगा BE, और ये X, तो tan ऑफ डेल को अपन H1 माइनस H2 माइनस X लिख सकते। tan ऑफ डेल विच इज सेम एज डेल इज H1 माइनस H2 अपॉन X। तो यहां से अपन को डेल मिल जाएगा, डेल H1 माइनस H डेल इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन X, और डेल को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन H1 अपॉन F इक्विवेलेंट लिख सकते। तो यहां से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, x की फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी f इक्विवेलेंट d अपॉन f1। तो अपन को ये भी पता चल गया इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए और उसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड लेंस ये भी पता चल गया। सबको समझ में आया ये डेरिवेशन?
ये दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ओके, कुछ डाउट है किसी को भी तो पूछ लो। समझ आ गया सबको ये? देखो ये फॉर्मूला अपन तभी अप्लाई करेंगे जब हमें पता है कि ओरिजिनल इंसिडेंट रे पैरेलल, ओरिजिनल इंसिडेंट रे शुड बी पैरेलल, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे नहीं है तो फिर अपन बेसिक से करेंगे, दो बार लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पहले लेंस का जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सेकेंड लेंस के लिए वापस लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एग्जाम्पल्स में इसको अप्लाई करके देखते तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला बेस्ड है, दो लेंसेज है, F1 F2 फोकल लेंथ दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट निकाल लो, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2। यहाँ पे F1 F2 ये सब कुछ साइन के साथ डालना, तो इस केस में ये क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसको सॉल्व करके 1 अपॉन F इक्विवेलेंट आ जाएगा और इसी को अपन पावर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, राइट? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, ये खुद से ट्राई कर लेना बाद में। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें बस F2 को अपन नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस, बाकी सब कुछ सेम होगा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फाइनेट पे नहीं, ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पे लेंस 1 से, और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंस 1 का फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेंस 2 का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंस 1 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसका फोकल लेंथ प्लस 10 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू माइनस 15 ले लेंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन F1। कितना आ जाएगा वी? वी 30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा, राइट? ये I1 होगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आया सबको? V जो है वो 30 होगा पहले लेंस का इमेज, और ये जो I1 है वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और दूसरे लेंस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा होगा जिसका डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर होगा उससे। तो सेकेंड लेंस के लिए F2 अपन क्या लेंगे? -10, और सेकेंड केस के लिए U क्या लेंगे? +27, और इसके लिए V निकालने, तो वापस लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन 10 ये आ जाएगा, 10 माइनस 27 माइनस 17 अपॉन 270, ये फाइनल V होगा। और ये डिस्टेंस कौन से लेंस से होगा? फ्रॉम सेकेंड लेंस, सेकेंड। और नेगेटिव साइन आने का मतलब सेकेंड लेंस से लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो मल्टीपल लेंसेस अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट पे नहीं है तो तुम्हें बेसिक से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इमेज निकालना होगा। ओके सर, वो फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया? वो फॉर्मूला खाली पैरेलल इंसिडेंट रे के लिए था ना। अच्छा, ओके सर। अगर रे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट पे हो तभी अप्लाई कर सकते। हाँ सर, हाँ ठीक है। देखो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
अपने अपेरेंट डेप्थ में सीखा था ना कि अगर कोई डायमेंशन किसी और मीडियम में हो तो अपन रिस्पेक्टिव डायमेंशन को रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर सकते, याद है ये? और इन सबको अपन ऑब्जर्वर के मीडियम से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर मान लो दो लेंसेज के बीच में एक ऐसा मीडियम रखा हुआ जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ, मतलब ये सिचुएशन है, ये दो लेंस है, सेपरेशन डी है, मगर दोनों के बीच में एक अलग मीडियम अपन ने भर दिया म्यू, ये वाला तो एयर है अभी भी। तो इस केस में जो 1/F equivalent का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, दैट विल बी 1/F1 + 1/F2, डी के बदले डी बाई म्यू लिख देंगे इधर, माइनस डी बाई म्यू टाइम्स डिवाइडेड बाई F1 F2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखो। वैसे इसका जो सेकेंड पॉइंट है, अगर मान लो लेंस के सामने एक अलग मीडियम है और उसके सामने एक मिरर है, तो ये जो मिरर है वो लेंस का एग्जैक्टली सेम इमेज यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे भी अपन एक तरीके से दो लेंस मान सकते सच दैट उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2d हो गया, और इस केस में इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा उसमें जो डी है उसको 2d/μ से रिप्लेस कर दो। सर वो अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला पुट किया है ना? हाँ, अपेरेंट डेप्थ में अपन जो यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया अपन। तो जो डिस्टेंस सर इसके पहले μ हो जाएगा, सर इसके पहले जो एग्जांपल्स थे उन सब में बस एयर रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं ना वो फॉर्मूला? यस, एयर रहेगा तभी, और अगर मान ली बीच में और कोई मीडियम आ गया तो अपन उससे डिवाइड कर देंगे, बट यहाँ पे भी बाकी जगह एयर है, ये दोनों एयर, खाली बीच में अलग मीडियम। बीच में अगर मान ले यहाँ पे भी अगर ये सिचुएशन होती, ये अगर पूरा मीडियम अगर म्यू होता तो उस केस में क्या ये डिस्टेंस डी चेंज होता? नहीं, उस केस में तो नहीं सर, सेम ऐड भी करता और मल्टीप्लाई भी करता, ये डिस्टेंस डी सेम होता, मगर जो मैं फोकल लेंस ले रहा हूँ एफ1 और एफ2 इसके कैलकुलेशन में मैं कौन सा लेता हूँ, मीडियम एयर का या म्यू वाले का? सर म्यू वाले का। इसके कैलकुलेशन में म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस वन, 1/R1 - 1/R2, उसमें अपन म्यू ले लेते एयर के बजाय। ठीक है सर, सॉरी पर मुझे नहीं समझा, म्यू क्यों लेंगे एयर क्यों नहीं? किस केस में? हाँ सर, पहले वाले केस। पहले केस में ये जो मीडियम है वो एयर नहीं है ना, ये एक दूसरे मीडियम से अपन ने भर दिया इसको। तो आई मीन जो आपने ड्रॉ किया है ना, कौन सा केस बोल रहे हो? ये वाला केस बोल रहे हो तुम? ये यस सर, यस वही वाला। देख, ऑब्जर्वर तो एयर में ही है ना, ये ऑब्जर्वर, तो इसको ये डायमेंशन डी कितना दिख रहा होगा? इसको ये डी के बजाय डी बाई म्यू दिख रहा होगा ना, अपने अपेरेंट डेप्थ में सीखा था ना ये चीज, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। हाँ सर समझा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, तो ये खाली दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने ध्यान में रखना, ये तुम्हें एग्जांपल्स को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। सर एक और बार आप सेकंड वाला बता सकते हो? देख, सेकंड वाले में अपन ने लेंस के सामने एक प्लेन मिरर रख दिया, तो जो रेज आएगी वो लेंस से हिट करेगी, मिरर से टकराएगी और वापस सेम लेंस से हिट करेगी, तो एक तरीके से मैं मान सकता हूँ। अच्छा, मतलब दो बार लेंस से रिफ्रेक्शन। हाँ, दो बार लेंस से रिफ्रेक्शन होगा, तो एक तरीके से मैं एक और लेंस इसके राइट में रख सकता हूँ। तो ये वाला जो सिस्टम है जो केस वन में दिख रहा है, अपन बोल सकते हैं वो केस टू वाले सिस्टम के इक्विवेलेंट होगा, जहां पे दो लेंसेस 2d की दूरी पर रखे हुए, ऐसा मान सकते हैं अपन। सर फिर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, अरे इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा दोनों में? खाली फर्क इतना होगा कि यहाँ पे जो इमेज फाइनल इमेज राइट में बन रहा है वो फाइनल इमेज यहाँ पे लेफ्ट पे बन जाएगा, बट पावर या फिर फोकल लेंथ के कैलकुलेशन में तो कुछ फर्क नहीं आएगा ना, अपन फॉर्मूला से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो तो अपन इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे ना। यस सर, तो बस इस फॉर्मूला में जो डी होगा
उसको 2d डैश बाय म्यू से रिप्लेस कर दो, समझो अभी? यस सर, एंड सर हर जगह म्यू से डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अपना फॉर्मूला था ना अपेरेंट डेप्थ वाला, उसी को अपन अप्लाई कर रहे हैं, म्यू ऑब्जर्वर d1 अपॉन म्यू 1 प्लस d2 अपॉन म्यू 2 एंड सो ऑन। यहां पे म्यू ऑब्जर्वर 1 होगा ना, एयर का मीडियम। यस सर, हां समझ गया। और जो डिस्टेंस है वो म्यू मीडियम में, तो उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे। याद आया अभी? हां सर समझ गया। ओके सर, ये लास्ट वाला फार्मूला कहां से आया? ये फार्मूला नहीं आया, फार्मूला अलग से नहीं लिखा मैंने, इसको अपन लॉजिकली एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहे। देख ऐसे मान के चल कि अगर ये लेंस था और ये मिरर था, अगर मान ले पैरेलल रेज यहां से ऐसे आ रही ये मिरर से टकरा रही, टकरा के वापस ये रेज रिफ्लेक्ट करेगी और वापस इसके अंदर से जाके ऐसे चली जाएगी, राइट? तो अभी मान ले इस लेंस के सामने अगर मैं इसका इमेज बना दूं, एक और लेंस को बना दूं, तो जो चीज ये वाली चीज हो रही है इधर लेफ्ट में येलो कलर में मैं मार्क कर रहा हूं। वो समझा मेरे को आपने क्या किया, पर वो हम डिराइव कर सकते हैं फार्मूला कैसे आपने किया डिराइव? ये तो ऑलरेडी अपन ने डिराइव किया है ना? नहीं सर, वो माइनस टू डी बाई यू डिवाइड बाई एफ वन बाई एफ टू का सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपने ऑलरेडी ये चीज डिराइव किया है, अपन को खाली ये विजुलाइज करना है कि अभी ये सिस्टम पहले सिस्टम से ही मैच हो रहा है जिसका रिजल्ट अपने ऑलरेडी डिराइव कर लिया। ये सिस्टम जो है उसमें अपन दो लेंस मान सकते हैं जिसके बीच का सेपरेशन 2d है, तो अपने ऑलरेडी जो फॉर्मूला डिराइव किया था 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 माइनस 2d अपॉन एफ1 एफ2 सॉरी माइनस डी अपॉन एफ1 एफ2 ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला था, राइट? जो अपन ने ऑलरेडी डिराइव किया था। तो इस फॉर्मूला में अभी डी का काम कौन कर रहा है? डी का काम 2d बाय म्यू कर रहा होगा। बाय म्यू क्यों? क्योंकि ये मीडियम अभी म्यू से भरा हुआ है, तो apparent depth जो है वो 2d by mu हो जाएगा। अपन कोई अलग से formula नहीं लगा रहे, उसी formula को apply कर रहे हैं, मगर थोड़ा logic apply करके, थोड़ा सा change करके। Thank you. Okay. Next concept देखो अभी। अगर lens को अपन split कर दे, तो focal lens में क्या changes आएंगे? देखो अगर मान लो मैं lens को principal axis के perpendicular cut करूं, ये ओरिजिनल लेंस था और इसको मैंने एग्जैक्टली सेंटर से कट कर दिया, तो ऐसे दो लेंसेज बन गए L1 और L2 और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन सेम मान रहे R। तो जो ओरिजिनल लेंस था उस पे अगर मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस R ये मिलेगा। और स्प्लिट करने के बाद जो लेंसेज बने, ये लेंसेज कैसे होंगे? ये वाला लेंस इक्वी कॉन्वेक्स था, ये वाले लेंस को मैं प्लेनो कॉन्वेक्स बोल सकता हूँ। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेंसेस बन रहे उसका अगर मैं फोकल लेंथ एफ डैश मान लू, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एफ डैश विल बी म्यू माइनस 1 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये सिंपली 1 अपॉन आर म्यू माइनस 1 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो और देखो 1 अपॉन एफ डैश is 1 by 2 times 1 upon f, 1 upon f dash 1 by f का half होगा, तो f dash को अपन f का double मान सकते। तो अगर किसी equi-convex lens को तुम exactly center से cut कर रहे हो, तो जो individual lenses तुम्हें मिलेंगे, उनका focal length double हो जाएगा। और वैसे ही power के बारे में क्या बोल सकते हो? अगर original lens का power p था, तो इन दोनों का power p by 2 और p by 2 हो जाएगा, क्योंकि powers पावर जो है वो एडिटिव होते हैं लेंसेस में, इन दोनों को ऐड करके ही पी बना होगा, राइट? ये कॉन्सेप्ट समझा सबको? सर मतलब अगर ये जो पूरा लेंस है उसका अगर 10 रहता फोकल लेंथ, तो इन लोग का 20-20 होता। करेक्ट, डबल हो जाता। ओके
अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर रहे हो तो वैसे ही ये तीन केसेस देखो, केस वन, केस टू और केस थ्री, इन तीनों केसेस में दो लेंसेस को अपन कॉन्टेक्ट में रख रहे मगर अलग अलग ओरिएंटेशन, और दोनों लेंसेस का फोकल लेंथ अगर मैं एफ डैश मान लू तो तुम देख पा रहे हो जो इनके कॉम्बिनेशन से लेंस बनेगा उनका फोकल लेंथ एफ डैश बाई टू हो जाएगा। क्या फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से रे को ऐसे पास करो या फिर रे को ऐसे पास करो, क्या इस बात पे फोकल लेंथ डिपेंड करेगा? नो सर, इन दोनों केस के लिए फोकल लेंथ सेम आएगा, ये अपन ने सीखा था ना पहले। तो लेंस को कैसा भी ओरिएंटेशन दे दो तुम, एज लॉन्ग एज दोनों का फोकल लेंथ एफ डैश है, और अगर मैं दोनों का पावर पी डैश मान लू तो जो इन दोनों से मिलके लेंस बनेगा उसका पावर टू पी डैश हो जाएगा, और इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो एफ डैश बाई टू हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई ना सबको? इसका सेकेंड केस देखते, अगर मान लो मैं लेंथिस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करूं, अपने ऑलरेडी मिरर्स का देखा था ना, मिरर्स का केस, अगर मैं मिरर्स को पैरेलली कट करूं तो जो मिरर्स के दो टुकड़े मिलेंगे वो इंडिविजुअल मिरर्स की तरह बिहेव करेंगे ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ जो ओरिजिनल मिरर का था। तो उसी yes, sir. उसी के सिमिलर अगर मैं किसी लेंस को कट करूं ऐसे ओरिएंटेशन में तो जो दो नए लेंसेज मिलेंगे उनके दोनों कर्व सरफेस का रेडियस तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो आ ही रहा अभी भी, तो इस केस में दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कुछ पूछना है तुम्हें सर? सर एक मिनट, पिछले पेज पे जाते हैं, डाउट। हाँ बताओ सर, वो फर्स्ट वाली जो डायग्राम है उसमें सर अगर हम साइन कन्वेंशन से 1 बाय एफ डैश डाले तो वो तो जीरो हो जाएगा सर। किसमें सर? वो पहले वाले इमेज में नीचे आपने जो 1 2 3 मार्क करके रखा है रोमन नंबर्स में, जीरो हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा सर। मुझे उसकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट, अगर मल्टीपल लेंसेज है तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट को मैं 1 अपॉन f1 + 1 अपॉन f2 लिखूंगा ना, और f1 f2 दोनों f डैश होंगे। आई थिंक तेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि तू f2 को माइनस f डैश ले रहा है क्योंकि उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ये कर रहा है ना तू? हाँ सर। बट ऐसा नहीं होता ना, अपने सीखा था ये चीज के ओरिएंटेशन चेंज होने के बावजूद फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के साथ सेम ही रहता। अगर तुम ऐसा ओरिएंटेशन लो या फिर ऐसा ओरिएंटेशन लो, इन दोनों का फोकल लेंथ सेम ही होगा ना? यस सर। ओके, समझ गया। ये बात भी सबको समझ में आ गई, अगर तुम लेंसेज को ऐसे कट करोगे तो इन दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम रहेगा एफ जो ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ। सर यस सर, वो लास्ट वाले उसमें अभी भी डाउट सर, वो मतलब वो माइनस क्यों नहीं होगा सर? ये मैंने तुम्हें बताया था ना फॉर्मूला डिराइव करके। हाँ यस सर, सीखा था अपने, याद है लेंस, जब अपने फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया था तब अपने सीखा था ना ये चीज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, ये आर वन और ये आर टू, तो दोनों केस में फोकल लेंथ सेम ही आता अगर तो साइन बी, साइन बी। ओके सर, क्योंकि जब तुम रिवर्स में जाओगे, रिवर्स में जाने पर आर वन आर टू रिवर्स हो जाएंगे मगर साइन कन्वेंशन भी तो रिवर्स हो जाएगा रिवर्स में जाने पर, तो ओवरऑल रिजल्ट सेम ही आ जाएगा लेंस का जो फोकल लेंथ है। याद आया? हाँ हाँ यस सर, समझ गया। देखो यहाँ पे ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी, अभी लेंसेज को कट करेंगे दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम होगा, और अभी इन पार्ट्स को अगर अपन क्लब कर दे इस तरीके से तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगा दो, यहाँ पे जो पावर है वो 2 times p हो जाएगा, अगर मैं ओरिजिनल लेंस का पावर p मान रहा हूँ इसको कट किया ऐसे और इन दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे चिपका दिया तो जो नया लेंस बनेगा उसका पावर 2p हो जाएगा और फोकल लेंथ f बाई 2 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक राइट? और यहाँ पे भी अगर हम कट करके स्प्लिट करेंगे तो वही मिरर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते, कट करके अगर मान लो मैंने इनको सेपरेट कर दिया तो दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर नीचे चले जाएंगे, और अपन ने जो मिरर्स के लिए थियोरी डेवलप किया था सेम थियोरी तुम इधर भी लगा सकते, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो दोनों के लिए हाइटेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग इमेजेस बना देंगे। ठीक है,
तो इस पे मैं तुम्हें बाद में एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसमें इसको अप्लाई कर दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिल्वर्ड लेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो अभी। अगर मान लो एक लेंस है और लेंस का जो सेकेंड फेस है वहां पे अगर मैं सिल्वर कर दूं, सिल्वर करना मतलब उसको मैंने मिरर बना दिया, तो मुझे बताओ ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? ये पूरा असेंबली अभी लेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि मिरर की तरह? जो रेज इंसिडेंट है वो राइट में जा रही है या लेफ्ट में आ रही है वापस? लेफ्ट में आ रही है वापस। तो पूरा असेंबली मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? बिहेव्स लाइक मिरर। और देखो यहाँ पे कैसे रेज जा रही होगी, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं कि वो एक लेंस से बना हुआ है प्लस एक मिरर से बना हुआ है, एक लेंस और एक मिरर से बना हुआ मान सकता हूं इसको मैं। सबसे पहले रे जाते समय लेंस से जा रही होगी इस तरीके से, फिर मिरर से टकरा रही, पहला एक्टिविटी यहां पे हुआ लेंस के ऊपर, फिर मिरर पे सेकेंड एक्टिविटी हुआ, मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट करवा दी, एंड फाइनली थर्ड एक्टिविटी वापस लेंस पे हुआ होगा। और अगर मुझे पूरे सिस्टम का पावर निकालना हो, देखो पावर हमें पता है एडिटिव होता है, पावर इक्विवेलेंट फॉर द एंटायर सिस्टम कैन सिंपली बी रिटन एज पावर फॉर फर्स्ट एक्टिविटी प्लस पावर फॉर सेकेंड एक्टिविटी प्लस पावर फॉर थर्ड एक्टिविटी। और पूरा जो सिस्टम है वो लेंस है कि मिरर है? पूरा सिस्टम मिरर है। हमें पता है कि मिरर्स के लिए जो पावर है वो 1/FM का नेगेटिव होता है, और लेंस के लिए जो पावर है वो 1/FL होता है। लेंस में माइनस साइन नहीं आता, मिरर में एक माइनस साइन आ जाता है। तो जो पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है उसका फोकल लेंथ भी अगर मैं इक्विवेलेंट मान लूं, एफ इक्विवेलेंट, तो पावर इक्विवेलेंट को मैं 1/-F इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। पावर वन मतलब किसका पावर, लेंस का या मिरर का? फर्स्ट एक्टिविटी कहां पे हो रहा है? लेंस पे। तो पावर वन को मैं 1/F लेंस लिख सकता हूं। व्हाट अबाउट पावर टू? माइनस वन अपॉन माइनस एफ एम, जो राइट वाला मिरर है इसका फोकल लेंथ में एफ एम मान। एंड पावर थ्री मतलब अगेन लेंस वाला पावर। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से, पावर इक्विवेलेंट को नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि मिरर्स के लिए नेगेटिव साइन आता है ना सर। तो आपने पूरा सिस्टम मिरर माना? हाँ, मैंने बताया ना पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि रेज वापस ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे ही आ रही। यस सर समझ गया। तो मिरर्स में ऐसा होता है ना, तो पूरे सिस्टम को अपन एक इक्विवेलेंट मिरर की तरह मान रहे हैं और उसी का अपन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं इस लॉजिक से। तो पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/F इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/F मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/F लेंस। तो इस पूरे सिस्टम को अपन एक मिरर की तरह मान सकते हैं जिसका अपन फोकल लेंथ इस तरीके से निकाल सकते, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। और एक बार अगर तुम्हें मिरर का फोकल लेंथ मिल गया तो इमेज का लोकेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला? अप्लाई मिरर फॉर्मूला because system is behaving like a mirror of focal length f equivalent. Apply mirror formula 1/V + 1/U = 1/F equivalent to get the location of image given the location of object u diya rahega. Okay, aur power ke terms mein apan aise bhi likh sakte, pure system ka jo equivalent power hai wo 2 times power of lens plus power of mirror hoga. एक और चीज का ध्यान रखो इधर, अगर मान लो एक लेंस के बजाय मल्टीपल लेंसेस हो, ऐसे एंड लेंस है और आखिरी वाले लेंस को मैंने सिल्वर कर दिया, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? आखिरी वाला जो मिरर है उसका फोकल लेंथ मैं अभी भी एफ एम मान रहा हूं, ये सारे लेंसेस का FL1, FL2 एंड सो ऑन, तो 1/F इक्विवेलेंट। इस केस में भी पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसको अपन 1/FM माइनस 2 टाइम्स सारे लेंसेस के फोकल लेंथ को ऐड कर दो।
क्योंकि सारे लेंस से रेस कितने बार जाने वाली, दो बार, एक बार राइट में जाते समय और एक बार मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्ट में जाते समय। तो इस पूरे असेंबली का जो फोकल लेंथ होगा वो अपन ऐसे निकल सकते। सबको समझ में आया ये? सर इसमें टू टाइम्स क्यों किया? सेम लॉजिक ना, जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था टू टाइम्स का, यहाँ पे भी सारे लेंसेज से दो बार जा रहा होगा ना, एक बार राइट में जाते समय, सर एक बार जाएगा और एक बार रिटर्न आते समय। तो इसीलिए लेंसेज का ये टू टाइम्स हो गया, बट मिरर का एक ही होगा। ओके तो देखो इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। फॉर्मूलेस याद रखना। हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट फॉर मिरर टू टाइम्स वन अपॉन एफ लेंस, और अगर मल्टीपल हुए तो ये एड होते जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन ट्राई करना सब लोग, ये होमवर्क दे रहा, इसको अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और आज के लिए और आखिरी कॉन्सेप्ट, पांच मिनट दो मुझे सिर्फ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ये कंडीशन दिया रहता है दैट फाइनल इमेज शुड कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे मल्टीपल लेंस स्लैब कुछ भी हो सकता है और फाइनली एक मिरर दिया हुआ, कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट है और तुमसे पूछा जाए कि कंडीशन क्या होगा सच दैट इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे फॉर्म हो। तो ऐसा करवाने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होने के बाद जब रेस फाइनली मिरर से टकराएगी वो मिरर से नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि जब वो मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तभी वो वापस पाथ को रिट्रेस कर पाएगा, रिट्रेस। और मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करना मतलब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करना चाहिए। तो उस केस में वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा एग्जैक्टली ऐसे, और इमेज को ऑब्जेक्ट भी बना देगा। तो जब भी तुम्हें ये कंडीशन दिखाई दे इमेज इज फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट, उस सवाल में तुम्हें जहां पे भी मिरर दिखाई दे रहा होगा तुम रेस को मिरर के नॉर्मली हिट करवा दो और सॉल्व कर लो, राइट। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर रहा सर, लेकिन अगर मिरर बीच में रहेगा और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिरर हमेशा एंड में होगा क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन होगा ना फाइनल, ब्रेक हो रहा है, मिरर को बीच में कहीं नहीं रहेगा, हां सर वो हमेशा एंड में ही होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी रेस नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए, और नॉर्मली स्ट्राइक करना मतलब यहां पे इट विल अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना। अपन अगले लेक्चर में वैसे इसको डिस्कस करने ही वाले, ठीक है। तो अपना लेंसेज वाला पार्ट हो गया, अगली बार अपन ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनी क्वेरीज? बस प्रिज्म आखिरी पार्ट बाकी जो अगले वीक में हो जाएगा। यस सर। ओके ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर। सर बोलो। यस एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ सर, वो आपके नोट्स में सर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, मतलब आपके नोट्स लिखने में सर बहुत ज्यादा टाइम जाता है सर, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम। हाँ सर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस इंक्लूड कर लो और एग्जांपल्स इंक्लूड कर लो। सर डेरिवेशंस? डेरिवेशंस अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो स्किप कर लो उसको, चलेगा, बट एटलीस्ट उसको रीड करो एक बार, तुम्हें सारी समझ में आनी चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो ठीक है, मैं तुम्हें वैसे भी बाद में कंबाइन नोट्स तो भेजता ही हूँ ना, मैंने कल तुम्हें भेजा था सारे कंबाइन नोट्स रिफ्लेक्शन वाले, तो वो तुम वो स्टोर कर सकते हो, उसको तुम रिफर कर सकते हो फ्यूचर में। कंबाइन नोट्स तो कन्वीनियंट होगा ना सबके लिए, सबने देखा कंबाइन सर, क्योंकि सर हर एक चीज लिखने में बहुत टाइम जाता है सर। यस सर, कंबाइन नोट्स एग्जांपल्स लिख लो और कंबाइन नोट्स रिफर कर लो, मैं जो तुम्हें भेजता हूँ उसको एक बार पढ़ लो अच्छे से। ओके सर, मतलब सिर्फ फॉर्मूलेज और जो ट्रिक्स आप बताते हो वही सब लिखना चाहिए ना, और फॉर्मूलेज ट्रिक्स एंड जितने भी क्वेश्चंस अपन करते क्लास में वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें लिख के सॉल्व करने चाहिए। हां सर, एग्जांपल्स। हां सर, ओके सर। यस सर, क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब वो करेंगे अपन, क्रोमैटिक एक्रोमैटिक बिहेवियर, वो एक्चुअली लेंसेज में एरर्स होते हैं उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, वो भी एक आखिरी पार्ट बाकी है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा वो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके चलो, बाय एवरीवन।